सरकार के खिलाफ नहीं दिखाई दे रही है और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी। तो ये इस वक्त की तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर जोधपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास की तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रही हैं और इसके बाद अपने आवास से अपने घर से वो मतदान के लिए निकलेंगे और काफ़ी संख्या में वहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता भी वहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद वहाँ तमाम मीडिया कर्मियों को ये है कि मुख्यमंत्री बाहर जब निकले तो अपनी बातों को सुनते हैं। अच्छा, पहले वैभव गहलोत को सुनते हैं। जी बिल्कुल, जोधपुर में हम हैं और वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी, बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और भरोसा जिस तरह से सरकार समर्पित रही, 5 साल जनता की सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार है और मैं मानता हूँ चाहे ओपीएस हो, ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियां हैं ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया और आपका आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? क्या ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें हैं, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में। मेजोरिटी में रहिए। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं ये सोचकर मतदाता वोट करें, लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं सभी जगह, कार्यकर्ता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो वैभव जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गलत को? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो खुद बौखला भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना फैक्ट्री हर बार जो कर देखे 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पर आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ हो गया? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। सर, लाल डायरी पे कई मनगढ़ंत कहानी आई आपने, क्या मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी, ये बताइए एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक कर दो। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बेटे के तौर पे पार्टी का नेता ही खड़ा है ना यहाँ। देखिए, हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं तो उसके तौर पे हाईकमान हाईकमान विधायक थे। सचिन पायलट जिस तरह कमी है अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कोशिश किया गया कि दोनों सब सब एक हैं, सब वो बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है मैं कह रहा हूँ हम सब। सर, आप मारवाड़ में रहे, जोधपुर में प्रचार किया, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? शानदार, मैं तो पूरे मारवाड़ में झांझा गया हूँ, शानदार, पूरे राजस्थान में कोटा संभाग में गया, चाहे अंता बारा हो, सब जगह शानदार रिस्पॉन्स आप देखिएगा। मैं चाहूंगा आज कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि योजनाएं और सरकार के जो सबसे अच्छे और बेहतरीन कार्य रहे, 5 साल जनता को समर्पित रही सरकार, आने वाले 5 साल भी जनता के लिए। थैंक यू। तो सुना आपने रोमाना, वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे कॉन्फिडेंट है। मुकेश, लोकसभा चुनाव लड़ा था, वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे जहां पर उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस लाल डायरी की बात कर रही है बीजेपी, उन्हें नहीं पता। साफ तौर पर यह भी बोल दिया कि इस बार मेजोरिटी में आ रही है, राज कायम रहेगा, रिवाज बदलना है और इसीलिए मेजोरिटी में जीत हासिल कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि इस बार अगर जीतती है कांग्रेस, क्या चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर आपको अशोक गहलोत नजर आएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर सफाई देते हुए किनारा कसते हुए बोल दिया कि आला कमान डिसाइड करता है। जब मीडिया के तौर पर यह पूछा गया कि हम किसी नेता से नहीं पूछ रहे बल्कि बेटे के पर बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नेता के रूप में ही जवाब दे रहा हूं। मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और ये देखिए सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं।
तो ये देखिए सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई अपनी बहन के घर से बाहर निकलते हुए और कुछ ही देर में देखिए वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अभी आपने वैभव गहलोत को भी सुना, लगातार देखिए उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जनता आशीर्वाद दे और इस बार सरकार रिपीट होगी, यही बात कही जा रही है। और हर बार अशोक गहलोत जब अपना नामांकन भी दाखिल करने गए थे तब भी हमने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी जब अपने बहन के घर पर वो गए थे, आशीर्वाद लिया था। और आज जब वो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं तब भी अपने बहन का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पर पहुंचे। थोड़ी देर में क्या कुछ मीडिया की तरफ से सवाल दागे जाएंगे और क्या कुछ जवाब देंगे। लेकिन अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर नहीं है, उधर वैभव गहलोत भी कह रहे हैं कि फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस इस बार विजय हासिल करेगी। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, देखिए सीएम अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं जो कि अपने बहन के घर से निकले हैं। और देखिए वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम बड़े कद्दावर नेता प्रत्याशी हर कोई सुबह से ही पहुंच रहा है बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये सीएम अशोक गहलोत की तस्वीर देखिए मतदान करने के लिए वो निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान सरदारपुर सीट से इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपने किस्मत को आजमा रहे हैं अशोक गहलोत। और वो वोट डालने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर जो है कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने जो काम किया है लगातार, क्योंकि कांग्रेस कहती आ रही है कि 90% के आसपास जो दावे सरकार की तरफ से किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। और इस मुस्कुराहट के पीछे भी कहीं ना कहीं यही राज निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जनता इसके बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में जो फैसला होगा वो आएगा 3 दिसंबर को जनता का, कि नेताओं ने अपने दावे कर दिए हैं, पार्टियों ने अपना दांव खेल दिया है, आगे फैसला जनता जनार्दन को लेना है। और पल्लवी मुस्कुराहट भी क्यों ना होगी जब 48 दौरे 48 जनसभाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अकेले अपने दम पर की हो, गारंटियों का रथ निकला हो, गारंटियों के दम पर जब कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में हो, घोषणा पत्र में 7 गारंटी के वादे किए गए हो, 4 लाख नौकरी के वादे किए गए हो, 10,000 हर साल हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया हो, गैस सिलेंडर के दाम को कम करने का वादा किया गया हो, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का एक तरह से मसला भी उठाया गया और वादा नहीं लेकिन हाँ पुरजोर तरीके से कोशिश करने की बात कही गई हो। OPS हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर सीएम अशोक गहलोत देखिए मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ पर जमा है, सीएम अशोक गहलोत सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले देखिए वो पहुंचे अपनी बहन के घर, वहां पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, उनको गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करते हुए अभिवादन करते हुए। तो अभी अपनी बहन के घर से जब बाहर निकले तो आस पड़ोस के लोगों से मेल मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और एक खास बात, क्योंकि राजनीति में हर एक तस्वीर के, हर एक बयान देने के और बयान ना देने के अपने मायने और मतलब होते हैं। चूंकि जब अशोक गहलोत यहाँ पर अपनी बहन के पहुंचे तो साथ में उनके बेटे वैभव गहलोत भी थे, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, मीडिया कर्मी बात करना चाह रहे थे। अशोक गहलोत पहले बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, वैभव गहलोत बाहर निकल कर आते हैं और वैभव गहलोत तमाम मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। और फिर उसके बाद जब अशोक गहलोत निकल कर बाहर आते हैं तो मीडिया से वो कुछ बातचीत नहीं करते, हालांकि मीडिया लगातार उनको यहाँ पर फॉलो करते हुए, जाहिर तौर पर जब वो अपना मतदान डालेंगे तो उम्मीद करनी चाहिए कि अशोक गहलोत की तरफ से मीडिया कर्मियों से बातचीत की जाएगी, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उत्साही हैं जो कि अशोक गहलोत की बहन के घर के आसपास पड़ोसी हैं और वो वहाँ पर नारे भी अशोक गहलोत के समर्थन में लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। जोधपुर की लाइव तस्वीरें, सरदारपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं अशोक गहलोत और लगातार उनका यही दावा है, उनका यही कहना कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, उनका यही भरोसा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ इस बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं है और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अब ये तो जनता को तय करना है, आप लोगों को तय करना है। वैसे 9 बजे तक यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे के दौरान 9.77% 9.77% वोट परसेंटेज हो चुका है, मतदान का प्रतिशत सामने आ चुका है। और कुल मतदान की अगर बात करें, कुल वोट्स की अगर बात करें
तो ये वोट की जो संख्या है वो करीब करीब 5 लाख से ऊपर अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि मतदान प्रतिशत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस तरीके से 9.77% मतदान हुआ है, अभी आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आपको लगातार तमाम दिग्गजों के जो मूवमेंट है उसको दिखा रहा है। हाँ। वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, अगर मंदिर में मत्था टेकने के लिए आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी वो दिखा रहे हैं। बीकानेर संवाददाता मधेश दाधीच कुछ बड़ी खबर के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। माफ कीजिएगा, महेश दाधीच हमारे जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, आपके पीछे मेरे को काफी भीड़ दिखाई दे रही है, कतारें दिखाई दे रही है, खासतौर पर महिलाओं की, क्या अभी तक वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है वोटर्स पर?